के अंदर लखनवी और हैदराबादी बिरयानी से भी ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर बिरयानी है तो वो है मुरादाबादी बिरयानी। और मुरादाबाद एक शहर है यूपी के अंदर, दिल्ली से काफ़ी करीब है, मगर दिल्ली के अंदर आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी देग होती है जहाँ पर फ्रेश बिरयानी बनती है और वहीं के वहीं फटाफट ख़त्म हो जाती है। और वो बिरयानी ना लखनवी ना हैदराबादी बल्कि मुरादाबादी बिरयानी होती है। अब देखिए, दिल्ली वाले कहते हैं कि भैया ये बिरयानी नहीं पुलाव है, मुरादाबाद वाले कहते हैं भैया यही बिरयानी है। अब वो पुलाव है या बिरयानी उसका खुलासा होगा, लेकिन आज की जो ये चिकन बिरयानी की रेसिपी है वो इतनी टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, पैन चाटते रह जाएंगे, प्लेट चाटते रह जाएंगे। और इतनी सिंपल है और बाकी सभी बिरयानी से बिल्कुल अलग। शुरू करते हैं हमारी स्पेशल मुरादाबादी चिकन बिरयानी या फिर पुलाव, देखते हैं। अब देखिए, मुरादाबादी चिकन बिरयानी के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। ये जी महाराज, चिकन सबसे पहले मैरिनेशन के अंदर हम डालेंगे नमक अच्छे से और थोड़ा सा नींबू। देखिए, जो मुरादाबादी स्टाइल बिरयानी है ना, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना हल्दी ना ही लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है तो ये हरी मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट है, ये जाएगी। साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी गया, परफेक्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट मसाला, ये देखिए, ये है पिसी हुई सौंफ, इसका फ्लेवर बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही धनिया पाउडर, साबुत मसालों में जावित्री, सिनेमन यानी दालचीनी, तेजपत्ता, काली मिर्च, थोड़ी सी हरी इलायची और लौंग। हो गए जी मसाले। अब हमें लेना है जायफल, जिसे नटमेग भी कहते हैं, और इसे यूं हम इसके ऊपर घिस देंगे। परफेक्ट ना, अच्छे से मिक्स करना है इसे, ताकि मसाले, मिर्च, नमक चिकन को बढ़िया तरीके से कवर कर लें। ये देखिए जी, और जी मसाले हमारे सारे चले गए हैं, हो गए, परफेक्ट है। अब इसी के अंदर हम डालेंगे दही, मिक्स इट अप अगेन, बढ़िया। कायदे से देखा जाए ना तो ये जो मुरादाबादी बिरयानी है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये बिरयानी नहीं पुलाव है, क्योंकि इसको लेयर नहीं किया जाता है चावलों के साथ, जैसे हम पुलाव बनाते हैं यखनी पुलाव, बिल्कुल वैसे ही बनता है। इनफैक्ट चावल और चिकन ऑलमोस्ट साथ में ही पकते हैं, बिल्कुल पुलाव की तरह, लेकिन फिर भी इसे कहा जाता है बिरयानी। देखिए जी, नाम में क्या रखा है, काम में बात होनी चाहिए ना, जोर होना चाहिए बिरयानी में जो इसमें है। ऑलराइट, ये देखिए, बिल्कुल ही अलग तरीके का मैरिनेशन है। अब इस मैरिनेशन में कम से कम आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करके रखना है। ओके जी, जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम चलेंगे प्याज की तरफ। और देखिए, बिरयानी बनाइए पुलाव, प्याज को भूनना इम्पॉर्टेंट है, और प्याज को बिल्कुल पतला पतला समानता से काटिए, एक समान। वैसे देखा जाए ना, दिल्ली सीट ऑफ पावर थी मुगलों की, और जहाँ पर लखनऊ, हैदराबाद, मुरादाबाद, हर जगह की अपनी एक बिरयानी है, वहीं पर दिल्ली की बिरयानी कभी सुनने को नहीं मिलती। वो शायद इसलिए क्योंकि दिल्ली में अब आप देखेंगे टेक्निकली पंजाबी फूड ही बनता है, लेकिन किसी ज़माने में दिल्ली में अच्छी अच्छी डिशेस बना करती थी, और दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान में वो फैली, क्योंकि सीट ऑफ पावर तो वही थी ना दिल्ली, सल्तनत, पूरा सुल्तान वहाँ बैठता था हिंदुस्तान का, तो सबसे बढ़िया खाने भी वहीं बनते थे। और जहाँ लखनऊ और हैदराबाद की जो बिरयानी है वो अक्सर हमें दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में मिलती है, लेकिन अभी भी जो छोटे छोटे नुक्कड़ कोने हैं वहाँ पर मैक्सिमम मुरादाबादी बिरयानी मिलती है। वो शायद इसलिए क्योंकि मुरादाबाद करीब है दिल्ली के, तो वहाँ से लोग शायद आए या ये पूरा बनाने का सिलसिला चला, और अभी भी वो दिल्ली की पहचान है। मतलब ये एक तरीके से मुरादाबादी नहीं, दिल्ली वालों की बिरयानी है या पुलाव है। हो गया जी, प्याज कट हो गया, अब बनाएंगे जी बिरयानी। अब ये बिरयानी बनाने के लिए आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तेल का भी, एंटायरली योर कॉल। अच्छे से इसे मेल्ट होने देना। ऑलराइट, ये गया जी प्याज, हाई हीट एंड लेट्स फ्राई देम।
देखिए प्याज को कंटिन्यूसली चलाना है ताकि ये इवनली ब्राउन हो। लाइक आई सेड, हाई हीट पे ही इसे पकाना है इस वक्त। प्याज इस वक्त अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, डोंट वरी, पकने के बाद कम हो जाता है, थोड़ा गार्निश में इस्तेमाल होगा, बाकी बिरयानी बनेगी। अब देखिए जब तक प्याज भुन रहा है, हम लेंगे ग्रीन चिलीज और उसको यूं हल्का सा स्लिट करके अलग रख देंगे। आपको लग रहा होगा कि यार ये मिर्ची बहुत ज़्यादा है, हम लोग खाने में बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी हमने। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि इसके अंदर हरी मिर्च ही डली है, लाल मिर्च तो डली नहीं, राइट? और लाल मिर्च ज़्यादा तीखी होती है हरी से, और क्योंकि इतना चिकन है, इतना चावल है, दही है, हरी मिर्च की खुशबू ही इसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मतलब बाकी मसाले भी हैं, चीज़ें हैं, बट हरी मिर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए डालिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हरी मिर्च को इस तरीके से स्लिट कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? ऐसे करने से इसका फुल असर जो अंदर बीज का है वो बाहर नहीं आएगा, खुशबू और हल्का तीखापन बाहर निकलेगा, इसलिए चॉप करके नहीं डालना, सिर्फ स्लिट करके यूं डालेंगे। ये देखो, ये देख रहे हैं, ये ब्राउन हो गया, और जहां जहां व्हाइट है वो अपने आप खुद ब खुद अपनी गर्मी में ब्राउन हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। तो इसमें मैं अब क्या कर रहा हूं कि थोड़ा सा प्याज निकाल रहा हूं ताकि गार्निश के लिए मैं इस्तेमाल कर लूं, और इसे फैला लो वरना ये जल जाएगा। हो गया जी, ब्रिलियंट। अब बाकी अनियन में हम डालेंगे चिकन। अब तेज आंच पर इसकी भुनाई होगी। एक खास बात इस बिरयानी की यह है कि इसके अंदर चिकन पकाते वक्त बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, तो जैसे ही चिकन इसमें डालें फ्लेम हाई पे, और तब तक पकाएं जब तक कि इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। चिकन है, दही है, वो खुद ब खुद थोड़ा पानी अपना छोड़ेगा और एक बढ़िया झोल बन जाएगा। अब ज़रा रंग रूप देखिए इसका, क्या बढ़िया लग रही है ये मज़ेदार मसाला। और इस मसाले को आप कह सकते हैं यखनी, मतलब फुल यखनी यखनी नहीं है बट उसी के करीब करीब ही है, इसलिए कई लोग इसे पुलाव भी कहते हैं। परफेक्ट, बॉयल आ गया इसके अंदर, चिकन तो ऑब्वियसली अभी कच्चा है। गैस हल्की करेंगे और इस पे जाएगा ढक्कन। चिकन को कम्प्लीटली कुक नहीं करना, आप इसे इस तरीके से 5 से 7 मिनट पकाइए ताकि चिकन ऑलमोस्ट हाफ डन हो जाए, दैट्स ऑल। बाकी चावल जाएगा, चावल के साथ पकेगा। ऑलराइट जी, चलिए थोड़ी किचन साफ कर लें भी। टाइम टू रिवील दिस। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू है यार। और ये देखिए, ये हमारा अखनी या यखनी तैयार, और इसके अंदर है भरपूर फ्लेवर। चिकन जो है हमारा इस वक्त कम्प्लीटली कुक नहीं हुआ है, तो ये जो बाकी का कुकिंग है चिकन की, ये होगी राइस के साथ। अब राइस पकाने के लिए इसमें हम डालेंगे पानी, तो जितना चावल है उसके हिसाब से। जैसे जो चावल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बासमती राइस है, आधे घंटे भिगो के रखा था, वो 1 कप चावल के अंदर ना करीबन 1.25 से 1.5 कप पानी पी लेता है। तो जो चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको पानी डालना है, सिंपल। अब इसको लेके जाएंगे एक बॉयल की तरफ, जैसे ही बॉयल आएगा चावल इसमें जाएगा ना। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, और क्योंकि हरी मिर्च स्लिट करी हुई है तो अपना खुशबू तो बहुत अच्छे से देगी, स्पाइसीनेस भी देगी, लेकिन थोड़ा सा रोक के। ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मुरादाबादी स्टाइल बिरयानी में। जब आप बिरयानी खाएंगे तो चावल होगा उसके साथ मिर्च जरूर आएगी। ऑलराइट जी, चावल तैयार है हमारे, इसमें एक अच्छा बॉयल आ गया, अब जाएगा इसमें चावल। हल्के हाथ से चावल को मिलाना है चिकन के साथ। अब देखिए ये जो स्टेप है ना, ये टिपिकल होता है पुलाव का, तो यहीं पर आपको फर्क पता चल जाएगा कि ये बिरयानी नहीं पुलाव है, फिर भी इसे बिरयानी कहते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में कुछ नहीं रखा, डिश बढ़िया होनी चाहिए, मजा आना चाहिए खाते वक्त, बस। ओके जी, लाइटली इसे मिक्स कर लिया, फुल फ्लेम पे रखना है इसे, और ये जो इसका सूप है या यखनी है इसे अब हम टेस्ट करते हैं। नमक अभी कम है क्योंकि चावल डाला, तो चावलों के हिसाब से नमक बराबर कर देंगे।
वंस अगेन जेंटली नमक को मिक्स करना है हल्के हाथ से, परफेक्ट, दैट्स इट, चम्मच आउट, नो छेड़खानी। इसको ऐसे पकने दीजिए, जब यखनी और चावल का स्तर बिल्कुल बराबर हो जाएगा तब गैस हल्की करके ढक्कन लगाना है, जैसे पुलाव पकाते हैं घर पर बिल्कुल वैसे पकाना है, सिंपल। ये देखिए थोड़ी देर में यखनी और नीचे हो जाएगा, चावल बिल्कुल खिल कर उभर कर बाहर आएगा। देखिए वैसे तो इसके अंदर मैं बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप सेला राइस, क्रीम सेला आता है या फिर गोल्डन सेला आता है, दोनों का इस्तेमाल करेंगे बेटर आएगी बिरयानी। ट्रस्ट मी, बासमती राइस से ज़्यादा बेटर है सेला राइस इस रेसिपी के लिए। और इत्तेफाक की बात है कि हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन से एक बढ़िया सेला राइस ढूंढ रहे, दिल्ली के अंदर नहीं मिल रहा, इट्स सरप्राइजिंग। हमने कहा चलो जी बासमती से बना लेंगे। ये देखिए पानी और जो चावल है बराबर हो गए, गैस हल्की, इस पे जाएगा जी ढक्कन, बस अब इसको पकाना है जब तक कि पानी जो है कम्प्लीटली चावल पी नहीं लेते, बस जब तक ये बिरयानी पक रही है हम तैयार करेंगे रायता। एक ऐसा रायता जो अक्सर मुरादाबादी स्टाइल बिरयानी के साथ सर्व होता है, सिंपल है लेकिन टेस्टी। अब देखिए रायते के लिए प्याज को सबसे पहले बारीक काटना है जी, जहाँ हमारी बिरयानी बड़ी मज़ेदार फ्लेवरफुल है वहीं पर जो रायता है वो क्रंची है, मतलब क्रंच ऑफ अनियंस, टोमेटो एंड क्यूकम्बर। ठीक जी, अनियन डन, अब काटेंगे क्यूकम्बर, विद स्किन विदाउट स्किन आपकी मर्जी, बारीक काटना है ताकि खाने में आसानी हो। और हाँ, आप ज़रा कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको बिरयानी खाना चम्मच से या फिर हाथ से पसंद है, बताइए ज़रा, चम्मच वर्सेस फिंगर्स। ये हो गया जी क्यूकम्बर, अब है जी हमारा टमाटर, टमाटर के बीज निकाल दीजिए। हाँ ये बीज निकालने के बाद इसे वही बारीक काटना है। हैदराबाद के अंदर ना बिरयानी के साथ जो रायता मिलता है टमाटर प्याज का, उसे चूरी बोलते हैं, या अलग से उसका नाम है, रायता नहीं बोलते, चूरी बोलते हैं, तो ये भी सिमिलर है। और जहाँ बिरयानी यूजली थोड़ी सी हैवी और स्पाइसी होती है, गर्मा गर्म होती है, दही ना काउंटर बैलेंस करता है, ठंडा रखता है, सब्जियाँ तरोताज़ा रखती हैं, खाने में क्रंच देती हैं। टमाटर, खीरा, प्याज तीनों गए दही में, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा काला नमक, मिर्च का पाउडर, भुना जीरा, एक बारीक कटी हरी मिर्च। आप तो बोलेंगे कि यार शेफ आप तो मिर्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गए, अरे भैया रेसिपी है तो है, मैं क्या करूँ, है ना, जो जैसे है वैसे, नहीं पसंद मत डालिए, कोई जेल में थोड़ा ना मन कर देगा। मिक्सर साहब, और हमारा रायता तैयार। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो अभी दही गाढ़ी लग रही है ना, थोड़ी देर में जब खीरा टमाटर प्याज अपना पानी छोड़ेंगे ये खुद ब खुद पतला रायता बन जाएगा, इसलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है रायता बनाने के लिए, परफेक्ट। अब चलते हैं जी बिरयानी की तरफ, गैस ऑफ, बिरयानी हमारी तैयार है, लेकिन ढक्कन खोलने की जल्दी नहीं करनी, 10-12 मिनट ऐसे ही पड़े रहने दो, क्या होगा चावल चिकन का फ्लेवर अब्जॉर्ब करेगा और अच्छे से खिलकर निखर कर आएगा। तो ये 2 मिनट बाद, मैं तब तक रायता प्लेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, टाइम टू रिवील, ओहो वाओ वाओ, क्या खुशबू है यार। नाउ इसमें एक चीज बस रह गई है, वो है केसर। वैसे तो अक्सर आप देखेंगे कि मुरादाबादी स्टाइल बिरयानी में वो केसर नहीं पीला रंग डाल देते हैं, बट ज़्यादा इसमें केसर है, और केसर ऊपर की तरफ लास्ट में। केसर डालने के बाद अब हम इसे खोलेंगे बिरयानी को, बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनी है। ये देखिए हमारी मुरादाबादी स्टाइल चिकन बिरयानी तैयार है, लेट्स प्लेट इट।
और हमारी मुरादाबादी स्टाइल चिकन बिरयानी विद रायता टांग, ये आपके लिए मैं तो पतीले से खाऊंगा।